हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं उषा एंड मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल केयरिंग मॉम वर्ल्ड में। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी दुआ से दोस्तों मैं भी एकदम ठीक हूं। तो दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम बात करने वाले हैं बेबी बॉय सिम्टम्स के बारे में, जो महिलाओं में पूरे सर से लेकर पांव तक देखे जा सकते हैं। हमारी जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, ओल्ड वाइव्स टेल्स है, वो क्या बताती है इन सब लक्षणों के बारे में और मैथ क्या है, फैक्ट क्या है। साथ ही मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करती जाऊँगी ताकि आप सब लोग सामने सामने चेक कर सके और देख सके कि शायद आप में भी ये लक्षण मैच होता है, तो कुछ हद तक आप भी अंदाज़ा लगा सकती है के आइडिया लगा सकती है कि आपको एक बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए हुए। लेकिन दोस्तों मेरे ये चैनल का या मेरे ये वीडियो बनाने का उद्देश्य बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप लड़का लड़की में कोई भेदभाव करें, है ना। हमारे लिए लड़का लड़की दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों को समान प्यार और अधिकार दोनों देने चाहिए दोस्तों। ये तो क्या होता है कि ईश्वर की एक बहुत ही खूबसूरत भेंट है जिसको पूरे दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। माँ के लिए एक बच्चा है वो सिर्फ एक उनका लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका बेटा ही होता है ना। और आज के ज़माने में तो आपको मालूम है वैसे भी लड़का लड़की में कोई भेदभाव होता ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो हम वीडियो को उसी तरह से देखा कीजिए, हमारी वीडियो को बिल्कुल गलत कदम कभी मत उठाइए। कोई भी वीडियो को देखकर, मेरा वीडियो नहीं किसी और के वीडियोस को देखकर भी आप गलत कदम कभी मत उठाइए, क्योंकि क्या होता है कि कोई माँ जैसे प्रेग्नेंट होती है ना, तो उनके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि वो किसकी माँ बनने वाली है, बेबी बॉय की या बेबी गर्ल की। तो उन्हीं जिज्ञासा को, उन्हीं उत्सुकता को शांत करने के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर ही वीडियो को देखा कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में बने बेल आइकन को हिट करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि क्या होगा कि मेरी जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी ना, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सिम्टम है, सर से हम बात करते हैं कि आपके बालों के ऊपर है दोस्तों। तो सबसे पहला सिम्टम आपके बालों के ऊपर है दोस्तों। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके बाल है बहुत ही ज़्यादा घने, मुलायम, लंबे, सुंदर होने लगते हैं ना, चाहे वो हाथ पैर के बाल हो, शरीर के बाल हो, वो आपके बॉडी के बाल हो, मतलब कोई भी बॉडी के बाल हो सकते हैं, अगर वो लंबे होने लगते हैं, मुलायम होने लगते हैं, चमकदार होने लगते हैं, ऐसा अगर आपको लग रहा है ना, तो हमारी बड़े बुजुर्ग महिलाएँ बताती है कि आपको एक बेबी बॉय होने वाला है दोस्तों। अभी दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे सिम्टम के बारे में, तो वो है आपके चेहरे के ऊपर, मतलब कि स्किन के ऊपर दोस्तों। कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा डल हो जाती है, मतलब काली पड़ने लगती है, चेहरे पर झुर्रियाँ नज़र आने लगती है, डार्क सर्कल बनने लगते हैं, पिंपल्स निकलने आते हैं, मतलब कि आपकी जो खूबसूरती है वो बहुत ही कम हो गई है पहले के मुकाबले, तो माना जाता है कि आपको एक बेबी बॉय होने वाला है दोस्तों। तो अभी हम बात करते हैं तीसरे सिम्टम के बारे में दोस्तों। तो तीसरा सिम्टम है आपके ब्रेस्ट को लेकर दोस्तों, आपके छाती के भाग को लेकर, वो है आपके ब्रेस्ट को लेकर। तो अगर आपका ब्रेस्ट है, राइट साइड का ब्रेस्ट है, वो लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट के मुकाबले थोड़ा भारी लग रहा है आपको, है ना, ऐसा सब कुछ हो रहा है, मतलब कि ब्रेस्ट के निप्पल के आजू बाजू का जो एरिया है ना वो डार्क हो रखा है, पहले तो डार्क था ही लेकिन वो और भी ज़्यादा डार्क हो गया है, और उस पर छोटे छोटे वाइट कलर के अगर दाने निकल आए हैं ना, तो माना जाता है कि आपको एक बेबी बॉय होने वाला है दोस्तों। अभी हम बात करते हैं दोस्तों आपके पेट के ऊपर है दोस्तों, कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट का आकार है वो बहुत ही बड़ा है, लेकिन दोस्तों उसका झुकाव है वो पूरा नीचे की ओर है, मतलब कि वो अंडाकार जैसा दिख रहा है ना आपको, तो ऐसा माना जाता है कि आपको एक बेबी बॉय होने वाला है दोस्तों।
अभी बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम के बारे में दोस्तों, तो वो है आपके नाभि लाइन के ऊपर। तो प्रेगनेंसी में दोस्तों आपके पेट के ऊपर एक नाभि लाइन बन जाती है। तो हमारी बड़ी बुजुर्ग महिला ऐसा बताती है कि नाभि के ऊपर जो लाइन बनती है ना, वो नाभि के ऊपर से लेके बिल्कुल नाभि के नीचे तक वो अगर पूरी सीधी बनी हुई है और बहुत ही ज़्यादा डार्क बनी हुई है ना, तो माना जाता है कि आपको एक बेबी बॉय होने वाला है दोस्तों। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम के बारे में दोस्तों, तो वो है आपके कमर के ऊपर दोस्तों। तो ऐसा माना जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको बहुत ही ज़्यादा कमर दर्द रह रहा है ना, मतलब आप बोलेंगे कि 8वें 9वें महीने तो वैसे भी कमर दर्द होता ही है, लेकिन दोस्तों जैसे आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाती है ना, तो उसके दूसरे तीसरे महीने से ही आपको हल्का हल्का दर्द वहाँ महसूस हो रहा है ना कमर के नीचे के समय, तो माना जाता है कि आपको एक बेबी बॉय होने वाला है दोस्तों। अभी हम बात करते हैं दोस्तों आखिरी सिम्टम के बारे में दोस्तों, तो आखिरी सिम्टम ऐसा है दोस्तों कि अगर आपको अपने बच्चे की लात है वो पेट के निचले हिस्से में, पसलियों के ऊपर नहीं, पेट के नाभि के निचले हिस्से में अगर आपको बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रही है ना, तो माना जाता है कि आपको एक बेबी बॉय होगा। और वहाँ जो बच्चे की लात है ना, वो आपको अगर छाती के निचले हिस्से में मतलब पसलियों के ऊपर आपको अगर उसकी लात महसूस हो रही है ना, तो ऐसा माना जाता है कि आपको एक बेबी गर्ल होने वाली है दोस्तों। तो हमारी जो बड़ी बुजुर्ग महिला है ना दोस्तों, वो कभी कभी ऐसा भी बताती है कि क्या होता है कि लड़का है ना, वो बहुत देरी से मतलब कि पूरा टाइम लेकर फिर दुनिया में, मतलब समय से पहले थोड़ा दुनिया में आ जाता है डिलीवरी को, है ना। और जो लड़कियां है वो पूरा टाइम लेके मतलब 9 महीने पूरे करके ही बाद में ही वो दुनिया में आती है। तो ये भी माना जाता है कि अगर आपको डेट से पहले ही प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है ना, तो हो सकता है कि आपको आने वाला नन्ना मेहमान है वो एक लड़का हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो सिम्टम्स थे वो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में खुद में सिम्टम्स या सभी महसूस किए थे दोस्तों। मैं ऐसा नहीं बताती हूँ कि ये सारे सिम्टम्स है वो आप में भी 110% ठीक बैठेंगे दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि हर एक की प्रेगनेंसी है, हर एक के जो बॉडी सिम्टम रहते हैं वो सभी अलग रहते हैं, बॉडी अलग है, सबके हार्मोनल चेंजेस बॉडी में अलग अलग होते हैं, तो उनकी वजह से जो भी चेंजेस आते हैं महिला की बॉडी में, तो वो हार्मोनल बदलाव की वजह से आते हैं। ये जो भी सिम्टम्स हम बताते हैं ना, जो हमारी नानी दादी माँ सास बताती है, क्योंकि उस टाइम पर तो ये सब एक्सपीरियंस लड़ी थी तो भी सही भी हो जाता था, है ना, लेकिन इस टाइम पर ऐसी एक्सपीरियंस लेडी मिलना बिल्कुल नामुमकिन है दोस्तों। बिना अल्ट्रासाउंड के तो ये हम पता लगा ही नहीं सकते हैं कि गर्भ में पड़ रहा बच्चा है वो कौन होगा, एक बेबी बॉय के बेबी गर्ल दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ लाइक और शेयर किया कीजिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो है वो बनाकर ला सकूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चे का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।